प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सभा करेंगे। हरियाणा की सबसे हॉट सीट में से एक रोहतक के मेला ग्राउंड में प्रचार के अंतिम दिन मोदी चुनावी सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। वह यहां भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। अरविंद का सामना भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा से है। रोहतक संसदीय क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली के मद्देनजर रोहतक के मेला ग्राउंड में ही पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं। ग्राउंड में 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। एसपीजी ने पीएम की रैली को लेकर लोकल पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि मंच पर सिर्फ 20 कुर्सियां लगेंगी। मंच के साथ ही वीवीआईपी पार्किंग बनाई गई है। इस पार्किंग में भी सिर्फ 30 वाहन ही पार्क हो सकेंगे। मंच के करीब 50 मीटर के दायरे में एसपीजी का सुरक्षा घेरा रहेगा। हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट पर 2014 में हुए चुनाव में कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत हासिल की थी। उन्हें 4,90,063 वोट मिले और 3,19,436 वोट पाकर दूसरे पायदान पर भाजपा के ओम प्रकाश धनर रहे थे। इस बार भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में हैं। रोहतक के अलावा पीएम हरियाणा में मंडी और पंजाब में होशियारपुर में भी सभा करने पहुंचेंगे।